सभी भक्त जनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको धूमिनी मुद्रा बताने जा रहा हूं। यह मुद्रा तारा देवी की मुद्रा है, उनकी आराधना में प्रयुक्त होता है और इससे अचानक धन संसाधन की प्राप्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वे लोग जो लॉटरी के क्षेत्र में हैं, शेयर मार्केट में हैं, अचानक से जहाँ उछाल आता है या जो ऐसे क्षेत्र में हैं जहाँ की गोपनीय सूचना देने से धन की प्राप्ति होती है, कमीशन के रूप में सरकार की तरफ से मिलता है, तो ऐसे के लिए यह अच्छा है। यह तामसी धन की प्राप्ति के लिए प्रयोग होता है। इस मुद्रा से अध्यात्म में कमी आती है, लेकिन भौतिक संसाधन में सफलता मिलती है। जहाँ तक इसकी बात करें स्वास्थ्य संबंधित, तो ये प्राण का ऊर्ध्वगमन कराता है, प्राण शक्ति को बढ़ाता है और हाजमा शक्ति को भी बढ़ाता है। पेट के लिए और लीवर के लिए अच्छा है और जिनका निम्न रक्तचाप है उनके लिए अच्छा है। हालांकि उच्च रक्तचाप वालों के लिए तो उतना अच्छा नहीं है। और मस्तिष्क को काफी सक्रिय करता है, लेकिन आध्यात्मिक दिशा में सक्रिय नहीं करता है, भौतिक क्षेत्रों में सक्रिय करता है। इसे सुबह खाली पेट स्नान ध्यान करके करते हैं और पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, सुखासन, स्वस्तिक आसन आदि में बैठ के किया जाता है। और यह जो है माता तारा, इन्होंने की शिव जी के हलाहल पीने के बाद अपना स्तनपान कराया था ताकि उनका जहर दूर हो सके, उन्हीं के मंत्र का जाप किया जाता है। ओम ह्रीम त्रीम होम फट, ओम ह्रीम त्रीम होम फट, ऐसा 108 बार आपको कहना है। और जो त्रीम है ये त्राण के लिए है, तो आप अपनी असुरक्षा से त्राण पाए तो अपनी असुरक्षा की भावना को सांस छोड़ते समय करें और सुरक्षा की भावना को सांस भरते समय करें। धन की वृद्धि के लिए सांस भरते समय करें और दरिद्रता को दूर करने के लिए, असफलता को दूर करने के लिए सांस छोड़ते समय करें। तो यह सरल है, इन आसनों पर बैठ जाएं। यदि आप नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सी पर भी बैठकर, पलंग पर भी बैठ के कर सकते हैं। इसमें जो मध्यमा उंगली है उसको अंगूठे से दबा देते हैं दोनों हाथों की, और इन दोनों हाथों की जो बाकी उंगलियां हैं इसको भी मिला देते हैं। और मिलाने के बाद ये जो है इसको ऊपर रखते हैं। अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूं।
ध्यान दोनों भावों के मध्य में रखेंगे, क्योंकि इसमें इंट्यूशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। ध्यान दोनों भावों के मध्य में रखेंगे क्योंकि इसमें इंट्यूशन बहुत महत्व रखता है, क्योंकि इंट्यूटिव क्वालिटी को बढ़ाता है, उस वजह से ही सफलता मिल पाती है। यानी मस्तिष्क के ऊपर इसका प्रभाव यही है कि इंट्यूशन क्षमता को बढ़ा देता है कि कौन सफल होगा, किस पर दांव लगाएंगे, रेस घोड़ा का रेस कोर्स में जो लोग पैसे लगाते हैं, लॉटरी में लगाते हैं, कहीं भी किस पर दांव लगाया जाएगा, उस क्षमता को ये बढ़ाता है। तो इसलिए दोनों भावों के मध्य में आप ध्यान लगाएंगे। जब सांस भरेंगे, जब सांस जोर से भरेंगे तो मंत्र का जाप करेंगे, और जिस चीज के लिए कर रहे हैं सफलता के लिए उसको ग्रहण करेंगे, और जब छोड़ेंगे तो मंत्र का जाप करेंगे, लेकिन जिस चीज से हम निजात पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, तो उसको हम भावना में लाएंगे। आपको लंबी सांस लेनी है और एक श्वास में आपको पूरा मंत्र बोल देना है और आराम से बोल देना है, और एक सांस में छोड़ देना है। एक सांस में छोड़ते समय ही जो है मंत्र को बोलना है और आराम से। इससे शरीर के सभी अंगों को ऊर्जा मिल जाती है, प्राण शक्ति बहुत बढ़ जाती है। और एक बार जो लंबी सांस भरेंगे, ये ध्यान रखिए कि वह एक बार जो सांस जो भरेंगे तो 16 सेकंड या उसके पार होना चाहिए। जब तक वह नहीं होता है तब तक आप की यह मुद्रा या आपका संकल्प धन प्राप्त करने का सफल नहीं होगा। 16 सेकंड से ज्यादा एक सांस भरेगी और 16 सेकंड से ज्यादा एक सांस छूटेगी, 16 सेकंड या उससे ज्यादा, ये ध्यान रहे। इसलिए आराम से धीरे धीरे सांस भरेंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। तो इसको करें, हालांकि थोड़ा प्रैक्टिस में समय लगेगा, इसमें इसको साधना में समय लगता है, क्योंकि जो लोग ज़्यादा मोटे थुलथुले होते हैं वे 16 सेकंड नहीं कर पाते हैं। फिर भी न करने से तो अच्छा है करना, चाहे 12 सेकंड ही हो, इसका फल जो है 12 सेकंड से ही आना शुरू होता है, 16 सेकंड या उससे ज्यादा में पूरा हो जाता है। और 108 बार इसका जाप करना है। ओम हरि।